आजादी के 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में बागपत कलेक्ट्रेट परिसर के लोकमंच में आज वाणिज्य सप्ताह के अंतर्गत एक्सपर्ट कॉन्क्लेव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि भारत में ऐसे अनेकों उद्योग धंधे हैं जो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को देश से बाहर निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी है कि जहां बागपत जिले के अंदर 3329 छोटी बड़ी कंपनी है जो बहुत अच्छा काम करती हैं, विशेष रूप से हमारे हैंडलूम वाले और पत्थर वाले शामिल हैं। आज बागपत के अंदर जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आज आयोजन हुआ कि हमारे बागपत में कितनी ऐसे उद्योग धंधे हैं जो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को देश से बाहर जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है जहां बागपत जिले के अंदर 3329 छोटी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से कई जो फैक्ट्री हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। विशेष रूप से हमारे रिम धुरे वाले, हमारे जो है हैंडलूम वाले, अभी को पत्थर वाले कुछ हैं, इस तरह से कई हमारे लोग शहद हैं, हमारा मधु जो है जिसको हम हनी बोलते हैं, ये कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे बागपत से विदेशों में निर्यात होती है। और मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक जिला एक उत्पाद इस तरह करके प्रत्येक जिले के अंदर एक एक उत्पाद को हमारे यहाँ जहाँ तक मुझे मालूम है निक रहा है उसका किया है, हैंडलूम का किया है, हैंडलूम को आगे बढ़ाने के लिए किया है, होम डेकोर जो बनाते हैं जैसे वीव टैक्स वाले जो बनाते हैं, तो लगभग 400 करोड़ का एक्सपोर्ट अपने ज़िले से होता है। जिस प्रकार से बागपत में आजकल परिस्थितियाँ जिसको हम भौतिक, जिसको हम बुनियादी सुविधाएँ बोलते हैं, बुनियादी सुविधाएँ बढ़ रही हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, बिजली की अवेलेबिलिटी है, बिजली की उपलब्धता है, अच्छे अधिकारी हैं, लोगों को ज़्यादा चक्कर उसमें काटने नहीं पड़ते हैं, और अच्छी मैन पावर हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं कौशल विकास, वो तैयार हो रहे हैं। हम दिल्ली के इतना पास हैं, दिल्ली के इतना पास होते हैं जिसका हम जरूर निश्चित रूप से हम लोग फायदा उठा सकते हैं। और इसलिए जितने भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का माहौल आजकल बागपत में बना है उससे हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, नई नई इंडस्ट्रीज वाले जो है बागपत के अंदर आएंगे तो बहुत लोगों को, हजारों लाखों लोगों को, हमारे नौजवानों को और दूसरे लोगों को यहाँ पर रोजगार भी सृजन होगा, उससे बागपत का चहुंमुखी विकास होगा। बागपत में बहुत सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं और तरक्की को हवा पर लग चुके हैं, लेकिन हाईवे जो बन रहा है बीच बीच में टूट रहा है, इसके बारे में आपके क्या कहना है? देखिए हाईवे हैं, सड़क हैं, जो भी कुछ हैं जो बनाने वाले हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट है कि 5 साल तक उन्हीं लोगों को जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सौभाग्य से हमारे यहाँ जिसकी तरफ आपका इशारा है वो राष्ट्रीय महामार्ग है, राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक काम है, कर्तव्य है कि वो क्वालिटी का काम यहाँ पर करवाएं। अगर कोई क्वालिटी का काम को कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो है ब्लैकलिस्ट करवाया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के अंदर